सीख कबाब तो मैं हमेशा से बनाती हूँ, तो आज भी सीख कबाब बनाने जा रही थी, तो जब मैंने इसके ऊपर धागे लपेटे तो मेरा छोटा बेटा कहता है कि मामा जी ये क्या, ये ऐसे तो करेलों को करते हैं। मैंने कहा ना पुत्र, ये सोने लगनों के लिए, ताकि ये बहुत खूबसूरत लगें। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो धागे वाले सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आप हाफ किलो कीमा, आधा किलो कीमा वो हम डालेंगे। मेरे पास चने उबले हुए हैं, आप चने की दाल भी डाल सकते हैं उबाल कर। उबली हुई चने की दाल या चने आप इसमें डालेंगे एक कटोरी, और काफ़ी सारा इसमें रफली चॉप प्याज जाएगा, और अदरक और लहसुन काफ़ी सारा, यानी अदरक और लहसुन से ही इसका जायका जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। सुरख मिर्च मैं इसमें साबुत डाल रही हूँ, सब्ज़ मिर्च डालिए, और इसमें जाएगा सीख कबाब मसाला 2 बड़े चम्मच भर के। और खुश्क धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा, इन सब चीज़ों को नमक डाला है, चॉप कर लेते हैं अच्छे से। ये धागे वागे लपेटना एक रवायत सी है, एक खूबसूरती है। थोड़ा सोया सॉस डाला है और एक लीमू इसमें निचोड़ देंगे। तो कबाब तो कबाब है, कबाब का जायका चेंज करने के लिए छोटी छोटी तब्दीलियाँ। अब कच्चे कीमे में आप चने की दाल या चने उबाल कर डाल कर देखिएगा, आपको इतना मज़ा आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी सारे बन जाएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, तो मैंने धागा कबाब की शेप दे दिए। धागा कबाब वैसे वाकई देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जब ये तले जाते हैं तो ये बहुत ही मज़े के हो जाते हैं। और आज की जो वीडियो है, जिसमें मैं अब ये बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि साथ साथ मुझसे बनी नहीं थी, तो इसमें जब मैंने ये कबाब बनाए हैं तो उसके बाद आप एंड पर देखिएगा, मुझसे एंड के क्लिप्स ही नहीं बने हैं। मैंने भाग भाग के 2-4 तस्वीरें बनाई हैं, क्योंकि वो खाए ही इतनी जल्दी गए, तल होते गए और खाते गए, बनते गए और खाते गए, तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2-3 तस्वीरें एंड के लिए दिखाने के लिए आपके लिए बनाई हैं। तो मैं डबलेटे में बना रही हूँ, आप सादा पैन में बना सकते हैं, ऑयली करें। अच्छा, आप यहाँ इसे शेल आराम से फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे ऑयल में फ्राई किया जाता है वो कर लें, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसे ऐसे स्टीम पे बना लें, मैंने इसे स्टीम करना है आहिस्ता आहिस्ता, कोयला गर्म करेंगे और इसे दे देंगे धुएं का टच। धुएं का टच आप लाजमी दें, बेशक आप तल कर बाद में रखें या आप डबलेटे वगैरह में बनाएं, तो धुआं तो इसकी ख़ास वो है। अब ये देखें, ये बहुत मज़े का बना है, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैंने भाग भाग कर ये 2 तस्वीरें आपके लिए ली हैं।